हेलो बच्चों, मैं नेहा सेन फिर से उपस्थित हूँ आपके लिए कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक सृजन का पाठ 8 लेकर के। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इनकी पहली कविता कविता के बहाने हम पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे बात सीधी थी पर। इस कविता में कवि अपनी सीधी सरल बात को कहने के लिए, अपनी सीधी सरल बात को समझाने के लिए चमत्कारिक भाषा का प्रयोग करना चाहता है और उस भाषा का प्रयोग करने पर उसकी जो बात जो कहना चाहता है वो सरल होने की बजाय और ज्यादा पेचीदा होती जाती है, मतलब वो और ज्यादा कठिन बनती जाती है। और जैसे जैसे वो उसको सरल बनाने का प्रयास करता है, उसको समझाने की कोशिश करता है, वैसे वैसे वो बात और ज्यादा उलझती जाती है। और एक मौका ऐसा आता है कि कवि को उस बात को वैसे की वैसे छोड़ना पड़ता है, उसमें कोई सुधार नहीं कर पाता है। वो जिस चीज को वो सुधारने की कोशिश कर रहा है वो बिगड़ती ही चली जाती है। देखते हैं कैसे। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। बात कैसी थी? सीधी सादी बात थी। कवि कोई रचना लिख रहा है या ऐसी कोई कविता वो लिखना चाह रहा है जिसमें वो बात जो कहना चाहता है सीधी सरल बात है, लेकिन उसको कहने के लिए वो कुछ ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहता है, उसको आकर्षक बनाना चाहता है, अट्रैक्टिव बनाना चाहता है। तो इसलिए वो क्या करता है, भाषा में थोड़ा चमत्कार उत्पन्न करता है, ऐसे शब्दों का प्रयोग वो करना चाहता है जिससे कि वो अट्रैक्टिव लगे, आकर्षक लगे। लेकिन भाषा के चक्कर में वो टेढ़ी फंस जाती है, मतलब वो कहना कुछ और जाता है और हो कुछ और जाता है। उसे पाने की कोशिश में, यानी वो वापस से उस कविता को सरलता पाने के लिए, उसमें सरसता लाने के लिए कुछ प्रयास करता है, भाषा को उलटता है पलटता है, मतलब भाषा में फिर फेरबदल करता है वो। ठीक है, तोड़ा मरोड़ा, उसने भाषा को तोड़ा मरोड़ा, मतलब उसमें वो निरंतर प्रयत्न कर रहा है कि उसको सुधार सके। घुमाया फिराया उसको, फिर उसको कभी घुमाता है कभी फिराता है, मतलब हर तरीके के प्रयास वो कभी यहाँ पर कर रहा है कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर है। वो प्रयास कर रहा है कि या तो बात बन जाए, वो जो बात कहना चाह रहा है अपनी रचना के माध्यम से, या तो वो बात सीधे पाठक तक पहुंच जाए, श्रोता तक पहुंच जाए, या फिर जो सरलता वो कवि कविता में शुरू से बनाना चाहता था वो सरलता वो सरसता उसमें आ सके। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चलेगी। लेकिन जैसे जैसे वो उसको सुधारने का प्रयास कर रहा है, वैसे वैसे भाषा के साथ में जो वो प्रयोग करना चाहता था उसको आकर्षक बनाने का, वो प्रयोग उसका निरर्थक हो जाता है और निरर्थक हो जाने के कारण बात और ज्यादा पेचीदा हो जाती है। मतलब वो सरल सीधी बात को कहने के लिए वो जिन प्रयोगों का प्रयोग कर रहा था वो प्रयोग उस पे उल्टे पड़ते हैं और वो सीधी सरल बात थी वो और भी ज्यादा कठिन होती जाती है, मतलब श्रोता को पाठक को समझ नहीं पाते हैं वो कि क्या कहना चाहते हैं। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेज को खोलने की बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था। यहां पर कवि कहना चाह रहा है कि अब यहां पर कवि क्या कहना चाह रहा है कि सारे मुश्किल को धैर्य से समझे बिना जो भी प्रॉब्लम जो भी परेशानी यहाँ कवि को आई है उसको उन्होंने ठीक से देखा नहीं, और ठीक से देखे बिना ही उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस पेज को खोलने की कोशिश की। बच्चों पेज को खोलने की कोशिश कैसे करी? हम कोई कील जो होती है पेज वाली, जैसे मेरे हाथ में ये पेज वाली कील है, इस कील की एक चूड़ी, इसमें जो ये साइन बने हुए हैं ये चूड़ी वाले हैं, इसमें आप पेच लगाते हो तो आपको उसको चूड़ी को कसना पड़ता है। आप अगर उसको धीरे धीरे आराम से कसोगे तो वो चूड़ी लगेगी, लेकिन आप जोर जबरदस्ती करोगे तो उसकी चूड़ी खत्म हो जाएगी, इसका जो लॉक होता है वो लॉक नहीं लगेगा, ठीक है, वो खराब हो जाएगा। तो ऐसे ही कवि ने यहाँ पे क्या किया, उस मुश्किल से भरी हुई यानी जो कविता वो सीधी सरल बात में कहना चाहता था उसे भाषा के चक्कर में उसने उलझा दिया, और उस उलझन को सुलझाने के चक्कर में उसने उनको ठीक से देखा नहीं, ठीक से समझा नहीं, उसने डायरेक्ट क्या किया, उसको खोलने की बजाय उसे बेतरह कसा, यानी उसने बिना किसी प्रयास के उसको मतलब उसको सुलझाने के प्रयास किए बिना ही उसने क्या किया, उसको उसी तरह कसता चला गया। यानी वो प्रयास कर रहा है कि इसको सुधारूं, लेकिन वो सुधर नहीं पा रही है, वो सुधरने की बजाय और ज्यादा बिगड़ती ही जा रही है बात। क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाश बिनों की शाबाशी और वाह वाह। हम बच्चे जब कोई अच्छा काम करते हैं तो गिने चुने लोग ही होते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, कुछ ही लोग होते हैं जो आपको कहेंगे कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन अगर आप कोई गलत काम कर रहे हो तो आपके आसपास के लोग जो चाहते हैं कि आपकी तरक्की ना हो, टांग खींचने वाले लोग ज्यादा होते हैं इस दुनिया में। तो कहने का तात्पर्य यही है, कवि से जो गलती हुई है, कवि की इस गलती का लोग क्या कर रहे हैं, उसको उत्साहित कर रहे हैं, उसको साफ सुनाई दे रही थी तमाश बिनों की शाबाशी और वाह वाह। कुछ लोग चाहते थे कवि की इस उलझन का समाधान न हो, और उनकी इस उलझन का समाधान न हो इसलिए वो उनकी तारीफ कर रहे थे, उनकी शाबाशी दे रहे थे, उनको वाह वाह कर रहे थे उनकी। देखो बच्चों,
सीधी सरल बात और सीधा सरल जो मनुष्य होता है उसको तो भगवान भी उसका साथ ही देते हैं। देखो कैसे, आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक शतानंद नाम का एक बालक हुआ था, जो कि ऐसा बालक था मानोगे कि ना तो वो पढ़ने में उसका मन लगता था, ना किसी काम में उसका मन लगता था। तो उसके माता पिता उससे परेशान थे। उसके माता पिता ने परेशान होकर उसे एक गुरुजी को सौंप दिया। वो गुरुकुल में गुरुजी के पास रह करके उनका ध्यान वगैरह रखता था, उनकी पूजा मतलब उनके कामों में हाथ बटाता था। लेकिन गुरुजी भी उससे परेशान थे, क्योंकि वो जो था वो मंदबुद्धि बालक था। मंदबुद्धि बालक जो था वो हर काम में थोड़ी थोड़ी समय लेता था हर काम को करने के लिए। तो होता क्या है कि एक बार गुरुजी की को कहीं यात्रा करनी होती है, तो वो यात्रा के लिए जाने से पहले क्या करते हैं, अपने जो शिष्य होता है शतानंद, उसको बोल के जाते हैं कि बेटा ऐसे ऐसे आपको पूजा पाठ करनी है। सालिग्राम जी जो भगवान होते हैं, पत्थर की जो मूर्ति होती है काले रंग की, वो सालिग्राम जी उनके मंदिर में बिठाए होते हैं। तो वो उनको पूजा पाठ, डेली स्नान वगैरह करवाना, उनको भोग लगाना, चंदन का तिलक वगैरह लगाना, तो सारे कार्य वो करते थे। तो जैसा वो खुद करते थे वैसा वो शतानंद को समझा करके चले जाते हैं। अब शतानंद जब वहां पर पूजा पाठ दूसरा दिन होता है, तो दूसरे दिन वो पूजा पाठ करने के लिए जब बैठता है, तो उससे पहले वो स्नान करने के लिए नदी पर जाता है। तो नदी पर जाने से पहले वो सोचता है कि मैं वहां से पानी भर के लाऊंगा, इनको नहलाऊंगा, इससे बढ़िया मैं इन्हीं को अपने साथ ले जाता हूँ। तो वो क्या करता है, बाल्टी में उन सारे भगवानों को रख करके नदी पर ले जाता है। अब नदी पर वो जाता है, नहा लिए धो लिए, उनको भगवान को नहला धुला लेता है। जब वो बाल्टी की पानी भर के वापस आ रहा होता है, तो उसे रास्ते में एक जामुन का पेड़ दिखता है वहीं नदी के किनारे। तो वो जामुन के पेड़ से, जामुन उसको भूख लगती है, बहुत देर हो जाती है, उसने खुद भी स्नान कर लिया, भगवान को भी स्नान करा लिया, दोपहर का टाइम हो गया, बच्चा है, बच्चे को भूख तो लगेगी। तब वो क्या करता है, वो सोचता है, युक्ति सोचता है कि कैसे इन जामुनों को खाया जाए, कैसे पाया जाए। तो वो क्या करता है, उनके जो पास में जो सालिग्राम जी जो भगवान होते हैं, काले रंग के भाटे जो होते हैं, वो क्या करता है, उनको निकालता है और एक एक करके जामुन के पेड़ पे मारता है। जैसे जामुन नीचे आते हैं, मतलब जैसे ही पत्थर लगता है, जामुन नीचे, लेकिन पत्थर कहाँ चल जाता है, नदी में चल जाता है। तो ऐसे करके धीरे 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 जितने भी सालिग्राम जी भगवान उसके पास थे, वो सारे वो एक एक करके पत्थर मारता है, कहाँ पर, जामुन के पेड़ पर, जामुन नीचे और पत्थर अंदर, जामुन नीचे और सालिग्राम जी नदी के अंदर। तो ऐसे करके जितने भी सालिग्राम जी थे उसके पास में, वो सारे नदी में चल जाते हैं। फिर उसका पेट भरने के लिए वो जामुन खा लेता है। जामुन खाने के बाद में उसे याद आता है, अरे ये मैंने क्या किया, जितने भी भगवान थे सबको तो नदी में डाल दिया। तो वो उसकी जब जैसे दृष्टि जामुन के ऊपर जाती है, तो जामुन भी काले काले होते हैं, सालिग्राम जी भी काले काले होते हैं। तो वो क्या करता है, उन जामुनों को ही ले जा करके वहाँ सालिग्राम जी के स्थान पर बिठा देता है। और सालिग्राम जी के स्थान पर बिठा करके उनके चंदन का तिलक लगाता है, उनको भोग लगाता है और उनकी पूजा पाठ करता है। जब दूसरे दिन कौन आते हैं, गुरुजी वापस आते हैं। तो गुरुजी वापस आकर के देखते हैं तो उनका मंदिर भाई ठीक ठाक होता है, भगवान जी की पूजा हुई भी होती है। वो भी स्नान वगैरह करके आते हैं और पूजा करने के लिए वो चंदन का तिलक वगैरह घोलते हैं और जैसे सालग्राम जी के लगाते हैं, तो जैसे ही वो सालग्राम जी के ऊपर तिलक लगाते हैं, उनकी चमड़ी ऊपर हो जाती है, जामुन मुरझा जाते हैं तो उनकी स्किन ऊपर हो जाती है, चमड़ी ऊपर हो जाती है। ऐसे ही वहां पर हुआ, जैसे उन्होंने तिलक लगाया, तिलक लगाते ही वो क्या हुआ, जामुन की जो चमड़ी थी ऊपर की जो परत थी वो ऊपर उठ गई। तो वो हक्के बक्के रह गए, यानी वो आश्चर्यचकित रह गए कि ये क्या हुआ। जब उन्होंने शतानंद को बुला करके सारी बात पूछी, तो सारी बात जब उन्होंने पूछी, उन्हें पता पड़ा कि क्या माजरा हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है। तो उनको बहुत गुस्सा आया, उनको इतना क्रोध आया कि उन्होंने शतानंद को ले जा करके उसके हाथ पैर बांध के, ये उनके खड्डा था, कुआं था जो कि भरा हुआ था और पानी नहीं था उसके अंदर, खाली था, उसके अंदर वो उसको डाल देते, सजा देते हैं उसको। वो कहता है तू यहीं पड़ा रहे, ना तेरे को खाना मिलेगा ना तेरे को पानी मिलेगा, तू यहीं पे पड़ा रहे। वो बोलता है ठीक है। अब वो वहां पर उसको खड्डे में डालने के बाद में वो अपने वापस आ जाते हैं और सिर पकड़ के बैठ जाते हैं कि पता नहीं मेरे भगवानों का इसने क्या किया होगा। और उधर शतानंद जो होता है वो भगवान से गुरुजी 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 कहके स्मरण कर रहा होता है, नहीं गुरुजी अब नहीं करूंगा, क्षमा कर दो, अब नहीं करूंगा ऐसे कार्य। उनकी आवाज सुनकर, शतानंद जी की आवाज सुनकर स्वयं भगवान विष्णु धरती पर आते हैं और धरती पर आकर वो उसे बोलते हैं कि मैं ही गुरु हूँ, बाहर आ जा। तो वो कहते नहीं, मेरे गुरु जी तो एक ही है, आप थोड़ी गुरु जी हो। बोले नहीं, मैं सबका गुरु हूँ, तुम्हारे गुरु का भी गुरु हूँ मैं। बोले नहीं, मैं तो विश्वास नहीं करता आप पे। बोले विश्वास नहीं करता? बोले नहीं। बोले चल तू बाहर तो आ। बोले नहीं, मैं बाहर नहीं आऊंगा, गुरु जी मेरे को मारेंगे, मैं बाहर आऊंगा। तो बोलता है अगर ऐसी बात है तो पहले तू बाहर आ जा, फिर तू गुरु जी को बुला लाना। बोलता है ठीक है। वो उसको बाहर निकालते हैं, बाहर निकालने के बाद में वो कहता है कि मैं गुरु जी को बुला के लाता हूँ, आप यही रहना। वो बोलता है ठीक है। भगवान कहते हैं कि ठीक है तुम बुला लाओ, मैं यही हूँ। लेकिन वो कहता है कि अगर तुम चले गए तो गुरु जी फिर मेरे को मारेंगे। तो वो भगवान को रस्सी से वहीं बांध करके चला जाता है
अब वो वहां से गुरु जी को लेकर के आता है। अब गुरु जी को जब वो लेकर के आता है तो उसे भगवान गुरु जी को भगवान दिखाई नहीं देते हैं। तो शतानंद से गुरु जी बोलते हैं कि कहाँ है भगवान, दिखा मेरे को। तो कहता है कि यही थे, मैंने उन्हें पेड़ से बांधा था, देखो वो बंध रहे। अब वहां शतानंद को तो भगवान दिख रहे हैं लेकिन गुरु जी को भगवान के दर्शन नहीं हो रहे हैं। तो वहां पे शतानंद से फिर कहते हैं कि मुझे तो यहाँ पर कोई भगवान नहीं दिख रहा, तू क्या कह रहा है, तू क्या कहना चाह रहा है, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो वो जो शतानंद होता है वो भगवान से प्रार्थना करता है कि ये भगवान अगर आप इन्हें नहीं दिखे ना तो गुरुजी फिर मेरी पिटाई करेंगे, कृपा करके आप इन्हें दर्शन दीजिए। तो वहां पर जो शतानंद होता है उसको भगवान कहते हैं कि बेटा जो सरलता जो सरसता तुम्हारे अंदर है वो तुम्हारे गुरुजी में बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए तुम्हारी सरसता और सरलता के गुण को देख करके मैंने तुम्हें दर्शन दिए ना कि तुम्हारे गुरु जी को। गुरु जी दिन रात पूजा पाठ करते हैं, दिन रात भक्ति में लीन रहते हैं, लेकिन जो भक्ति भाव होना चाहिए, जो निस्वार्थता होनी चाहिए, वो तुम्हारे अंदर है ना कि तुम्हारे गुरु जी के अंदर। इसीलिए कहा जाता है बच्चों कि भगवान जो होता है भगवान भी उसी के पास निवास करता है। जो निस्वार्थ होते हैं, जो सरल होते हैं, जो कोमल स्वभाव के व्यक्ति होते हैं उनको ये भगवान की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर भी ये है कि जितनी सरल बात को कवि कहना चाहता था उस बात को घुमाने के चक्कर में वह बात इतनी घूम गई कि कवि को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अब इसको सरल कैसे बनाऊं, मैं इसको कैसे समझाऊं, ये कवि खुद नहीं समझ पा रहा है। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, कवि को जिस बात का डर था वही बात हो गई। जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वे भाषा में बेकार घूमने लगी। कवि ने अपनी बात को समझाने के लिए बहुत कोशिश की, जबरदस्ती करी, उसमें अनावश्यक शब्दों की अनावश्यक शब्द डाले, अनावश्यक भाषा का प्रयोग किया, उसमें अनावश्यक प्रयोग किए। तो ऐसे प्रयोग करने से क्या हुआ, बात की चूड़ी मर गई, यानी अर्थहीन हो गई वो बात। जो बात वो कहना चाहता था वो बात का अर्थ खत्म हो गया, उसका कविता का कथ्य जो मूल भाव था वो समाप्त हो गया और वे भाषा में बेकार घूमने लगी और वो बिना मतलब की भाषा में तब्दील हो गई। बिना किसी मतलब जो भाषा होनी चाहिए काव्य की वो भाषा ना रह करके एक अलग ही भाषा का रूप उसने धारण कर लिया। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया, यानी जितने प्रयोग उसने करे थे उन प्रयोगों को उसने वहीं रोक दिया, वहीं स्टॉप कर दिया और उन प्रयोगों को वहीं रोक कर जैसी रचना थी उसको वैसे की वैसे रहने दिया, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करी। अब ऊपर से ठीक था पर अंदर से ना तो उसमें कसाव था ना ताकत था। बच्चों जब चूड़ी वाली जो कील होती है उसकी पेच वाली जो कील होती है अगर उसकी चूड़ी खत्म हो जाती है, जब उसका जो लॉक खराब हो जाता है तो उसको आप ऐसे ही कील के रूप साधारण कील के रूप में उसका प्रयोग करते हो। तो यहाँ पर कवि ने भी ऐसे ही किया है कि जब वो सारे प्रयोग करके हार गया यहाँ पे, सारे प्रयोग करने के बाद में हारने के बाद में उसने क्या किया, उसको वहीं की वहीं स्टॉप कर दिया, वो जैसी थी उसको वैसे रहने दिया। वो ऊपर से तो ठीक ठाक लग रही थी, मतलब वो पढ़ने में तो आ रही थी लेकिन उसका मूल भाव जो था वो खत्म हो गया, उसका जो कहते हैं केंद्रीय बिंदु जो था वो खत्म हो गया, उसमें कोई प्रभाव नहीं रह गया। ठीक है, पर अंदर से ना तो उसमें कसाव था ना ताकत थी, ना तो उस कविता के अंदर कोई कसाव था, यानी उसका जो मूल तत्व था वो बिल्कुल नहीं था और ना उसमें ताकत थी, ना वो श्रोता को अच्छी तरह से समझ में आ रही थी। ये बात हो गई यहाँ पर। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, वो बात जो सीधे सरल शब्दों में कवि कहना चाहता था एक शरारती बच्चे की तरह कवि से खेल रही थी। क्या खेल रही थी, मुझे पसीना पहुंचती देख कर पूछा। अब यहाँ पर कवि अपने सारे प्रयोग करके हार गया तो उसने पसीना आ गया उसको, तो यहाँ पर उस पसीने को जब वो पहुंच रहा है तो उस पसीने को पहुंचता हुआ देख कर बात ने उससे क्या कहा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा, क्या आपने अपनी बात को सीधे सरल शब्दों में बताना नहीं सीखा। मतलब जो बात सीधे सरल शब्दों में कही जा सकती है उस बात को कहने के लिए क्यों अनावश्यक प्रयोग कर रहे हो तुम, जिस बात को व्यक्ति सीधा सरल समझ सकता है उस बात में आकर्षक पैदा करके उसमें चमत्कार उत्पन्न करके आप उसको और क्लिष्ट बना रहे हो, और ज्यादा हार्ड बना रहे हो। इसलिए अपनी बात को कहने के लिए सीधी और सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए, अर्थात उसमें अनावश्यक प्रयोग नहीं करने चाहिए। तो यह हमारी कविता कौन सी, बात सीधी थी पर, कुंवर नारायण जी की पूरी हुई। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद।